सो गाइस स्वागत हम आप सभी का नए वीडियो में आज है डे नंबर ट्वेंटी एंड आई हैव नो आइडिया आज हम क्या करने वाले हैं लाइक इतना तो कंफर्म है कि अभी हम बात करेंगे थोड़ा वीडियो एडिट करेंगे एंड देन जिम जाएंगे एंड लेग स्ट्रिंग करेंगे बट उसके बाद का कुछ कंफर्म नहीं है आई गेस बैडमिंटन खेलने चले जाएंगे क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे चैलेंज करा है एंड मैंने उसको पर्सनली लिया तो देखते अगर उसने बोला कि येस आज बैडमिंटन खेलेंगे तो आज हम बैडमिंटन खेलने जाएंगे एंड सॉरी मैं बस हमेशा एक ही रूम में बोलता रहता हूँ हमेशा एक रूम में बोलता हूँ वो वो अच्छा। अभी शांत हो गया अभी शांत हो गया कंस्ट्रक्शन चालू है कंस्ट्रक्शन चालू है इसलिए मैं इतना कुछ ब... बोल नहीं सकता बाहर कौन से भी रूम में क्योंकि यही रूम सबसे ज्यादा साइलेंट है देख लो अभी मैं बंद करूंगा तो एकदम साइलेंस यस साइलेंस। 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 so yes, हमेशा मैं यही रूम में बात करता रहता हूँ एक मिनट यस दिस इज द रीजन मैं हमेशा यही रूम में आके वीडियोस बनाता हूँ यही रूम में बात करता हूँ क्योंकि ये बहुत चुप चुप है बहुत चुप है आवाज नहीं आती है किसकी भी बस हमारी आवाज आती है एंड मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ तो यस आज हम बात करते हैं थोड़ा फेस टू फेस बातें कर लेते हैं क्योंकि पिछले चार दिनों में मैंने चार काटिवली uh, चार इंफॉर्मेटिव वीडियोज यस जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं थर्टी डेज में थर्टी वीडियोज डालने का ट्राई कर रहा हूँ जो अभी लास्ट ट्वेंटी डेज आ गए एंड द रिजल्ट आर नॉट विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था भाई ट्वेंटी डे तक सेवन हंड्रेड तक तो हो ही जाएगा क्योंकि ये चैलेंज स्टार्ट करने के पहले बस पाँच थे एंड अभी सेवन हंड्रेड दो सौ तो हो ही जाएगा ट्वेंटी डेज में क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करता हूँ ओके द थिंग इज मैं ऐसा एक्सपेक्ट क्यों कर रहा था जब भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ये चैनल स्टार्ट किया था मैंने सोचा था कि हर एक आ, हर एक वीक में मैं दो वीडियोज अपलोड करूँगा जो अच्छे खासे चल भी रहता था मैं हर वीक में दो वीडियोस अपलोड कर रहा था कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा था दो मेरे वीडियोस इतने अच्छे नहीं रहते थे क्वालिटी बहुत गंदी रहती थी मैं बहुत कैमरा शायद था मुझे बोलने का कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था थमने इतने अच्छे नहीं रहते थे तो भी मेरे वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे मैं सैटिस्फाइड था मैं मेरे वीडियोज़ से पाँच सौ छः सौ व्यूज़ आ रहे थे हर एक वीडियो पे एंड आई वाज सैटिस्फाइड बट धीरे धीरे जैसे ही आगे टाइम आगे बढ़ता गया कॉलेज स्टार्ट हो गई एंड क्या बजा वे कॉलेज स्टार्ट हो गई एंड मेरा पूरा डे बिजी होने लगा जैसे मेरा पैर पूरा नहीं बिजी हो गया मुझे वो एनर्जी नहीं बचती थी एक मिनट डिस्टर्बेंस आ गई ठीक है भाई डिस्टर्ब कर दिया इतना अच्छा बातें कर रहे थे हम लोग एक दूसरे के साथ आ भी तू भी जा किधर जाने को नहीं बुरा यही होता है जब लोग जेई करते हैं <laughs> हिंदी भी भूल जाते हैं जाने को बोला तो आने को बोला तो जा रहा है, है। मैं, <laughs> मैंने मैं ये वीडियो जो भी बात कर रहा हूँ मैं दूसरी तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहली बार मैं बाहर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना तो बहुत ब्र ब्र आवाज आ रही थी एंड दूसरी बार मैं यही रूम में आके किया तो पूरा वीडियो फोकस के बाहर था तो अभी तीसरा वीडियो है तीसरे वीडियो में आ गया खुश नसीब है तू मेरे वीडियो में आया बड़े लोग लो, चलो अभी मैं वीडियो बनाता हूँ बाय 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 सुन साहब हाँ बाए। बाए, गाई ये हा, तो मेरा पूरा डे बिजी होने लगा मैं हर दिन आके मेरे में इतना एनर्जी नहीं बचता था कि मैं आके वीडियो बनाऊँ रिकॉर्ड करूँ बाद में एडिट भी करूँ क्योंकि एडिटिंग नॉर्मल एडिटिंग भी करने जाते है तो दो से तीन घंटे तो लगे जाते हैं एंड अगर आप एकदम वी एफ एक्स हाई वी एफ एक्स वाली वीडियो बना रहे हो तो भाई दो से तीन दिन लग गए अब मेरे दो से दो से तीन घंटे में के लिए एनर्जी नहीं रहती थी मेरे पे टाइम नहीं रहता था तो वो वीडियो का मतलब दो वीडियो का टारगेट करके एक वीडियो हो गया एंड मैं एक वीडियो डालने लगा बट धीरे धीरे वो भी नहीं होता रहा मैं दो 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 वीक में एक वीडियो डालने लगा ऐसा ऐसा करके मैंने एक एक मंथ तक डाला ही नहीं बाद में मेरे भाई ने बोला क्या हुआ मैं बोला मतलब मतलब बाद में मुझे लगा कि छोड़ो छोड़ देते हैं ये बंद कर देते हैं चैनल पे वीडियोस डालना बट तो बाद में मेरे भाई ने बोला कि नहीं तो बंद नहीं करेगा भले ही धीरे धीरे वीडियोस डाल बट डाल मैंने वापस स्टार्ट कर दिया मतलब मैंने वापस वीडियो डाला एंड मैंने वापस बंद कर दिया दो महीने इस टाइम दो दो महीने तक एक वीडियो भी नहीं डाला क्योंकि आई डोंट नो द रीज़न तो एक्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता मैं दो वीडियोस लगातार लगातार दो महीने से एक भी वीडियो क्यों नहीं डाला मेरे सब फ्रेंड्स पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा है वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा है मैं बोला बस जस्ट थोड़ा सा ब्रेक है बट दो महीने के बाद मैंने वो सोशल मीडिया डिटॉक्स वाला वीडियो डाला बाद में धीरे धीरे तो भी मेरा एक एक वीक में एक एक वीडियो आ रहा था बाद में मैंने अपने आइडल साकेत गोखले को देखा उसने पाँच दिन में पाँच वीडियोज़ अपलोड किए थे एंड मैं एकदम उसका एकदम बैठ के एकदम अच्छे से देख रहा था क्योंकि मुझे उसका वीडियोज देखने में बहुत मजा आता है एक सेकेंड हाँ तो मुझे उसके वीडियोज देखने में बहुत मजा आता है आ, बट बाद में देख एक दिन मतलब लाइक फोर्थ डे पे बैठे बैठे मुझे ये क्लिक हुआ कि भाई ये बंदा इतना बड़ा यूट्यूबर होके एक मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उसके इतना बड़ा यूट्यूबर हो कि वो हर दिन अपलोड कर रहा है कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा है एंड तेरे अब तक एक हज़ार भी नहीं हुआ तेरे पाँच सौ भी नहीं हुआ अब तक शायद से पाँच सौ नहीं हुए थे तेरे पाँच सौ भी नहीं हुआ अब तक एंड uh, तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं बस बैठा रहोगा एक वीक में एक वीडियो डालूगा दो वीक में एक वीडियो डालूगा तो हो जाएगा अपलोड हो जाए मतलब एल्गोरिथम ही तो मैं बैठना चालू हो जाएगा तो मैंने सोचा छोड़ो भाई फक दिस हम करेंगे अपनी मेहनत डालेंगे एंड देन आई थॉट ऑफ दिस चैलेंज थर्टी डेज़ में थर्टी वीडियोस जो बहुत अच्छा चल रहा है स्टार्ट में बहुत अच्छा रीच हुआ uh, बाद में बीच बीच में एक दो वीडियो बहुत गंदे थे मुझे खुद को गंदे लगे बट येस तो भी डाला मैंने एंड बाद में फाइनली अभी लास्ट के चार दिन में मैंने चार इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डाले जो बहुत लोगों ने देखा नहीं मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न बोरिंग लगा तो शायद बहुत लोगों ने देखा नहीं उसकी वजह से मेरी रीच बहुत कम हो गई जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो लोग ने भी अनसब्सक्राइब कर लिया मेरे 593 सब्सक्राइबर्स हो गए थे 591 पे आ गए वापस आई डोंट नो वाट हैपनिंग सो वो बहुत डीमोटिवेट कर रहा है क्योंकि अगर आप अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हो दो से तीन घंटे हर दिन एफ़र्ट्स डाल रहे हो आप एंड आपको ये मिल नहीं रहा है जो भी क्या बोलते हैं आपको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो वो बहुत डिमोटिवेटिंग हो रहा है क्योंकि देखो मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ मैं रात के साढ़े बारह तक सोता हूँ सुबह छः बजे तक उठता हूँ तो बस इतना सा नींद मिल रहा है उसमें मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ तो भी ये रिजल्ट नहीं आ रहे वो बहुत डिमोटिवेटिंग डिमोटिवेटिंग लगता है बट येस yes, हम डालेंगे तो भी वीडियोज हम डालेंगे बस ये मुझे बात करनी थी यार अपना जो भी अंदर का है ना चाहिए वो बोलते ना क्या है कहने से दुख कम होता है एंड एंड ब्ला ब्ला सो मैंने ऐसे ही बोला अपना दिल की बात निकाल दी आप लोग के साथ शेयर कर दी मुझे जो भी बोलना था एंड यस लेट्स डू वन थिंग डेर्स डालो कमेंट्स में डेर डालो एक सेकेंड लेट्स डू वन थिंग कमेंट्स में डेर डालो आपको चाहिए कि मैं कुछ डर करूँ वो डर कर लो एंड ये देख लेना कि बहुत कहते डर्स नहीं है मतलब ऐसे वैसे डर नहीं है समझ जाओ कैसे डर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पब्लिक में बहुत कुछ कर सकता हूँ मुझे मज़ा आता है पब्लिक के साथ बकचोदी करने में मज़ा आता है पब्लिक में तो यस डर डालो अच्छा रहा सारे डेर अच्छे रहे तो एक डेर पे ही वीडियो बना देंगे हम लोग बस मज़ा आएगा वो बहुत लोग देखेंगे क्योंकि वो डर लोगों को मस्ती चढ़ती है ना डर उसकी गाउंड लग रही है पब्लिक में मज़ा आएगा देखने में सो यस डर डालो हम मस्त डर करेंगे एंड अभी एडिटिंग कर लेते हैं क्योंकि मैं सुबह दस बजे उठाऊँ एंड यस yes, मैं सुबह दस बजे उठाऊँ बहुत दिनों बाद सुबह रात को बारह बजे सुबह एंड सुबह दस बजे उठाऊँ क्योंकि आज सैटरडे है स्कूल की छुट्टी है कॉलेज की छुट्टी है मतलब तो मैं आराम से दस बजे उठाऊँ हर दिन मुझे छः बजे उठना पड़ता था यार बस बारह से छ्वेल्व थर्टी क्या एक से छः मतलब पाँच घंटे की नींद हो रही थी क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही उठ के जा रहा हूँ कॉलेज में मुझे होमवर्क भी करना था क्योंकि अगर होमवर्क नहीं किया तो मैम क्लास से निकाल देगी एंड इंटरनल्स में कम आएगा एंड आई कैन नॉट टेक रिस्क क्योंकि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है इंटरनल्स में अच्छे आ गए इंटरनल्स में अच्छा है तो अच्छी बात होगी बोर्ड्स में परसेंटेज में भी अफेक्ट करेगा इंटरनल्स भी सो so येस yes, मुझे होमवर्क भी करना पड़ता है तो रात के साढ़े बारह एक बजे तक तो सोता हूँ सुबह छः बजे उठता हूँ आ जाता हो पूरा डे बिजी हो जाता है तो आज एकदम अच्छा था आ, दस बजे उठा आराम से एंड अभी एक बजे वीडियो एडिट करने को बैठ रहा हूँ सुलेस को अभी करते हैं वीडियो एडिटिंग बाद में आई डोंट नो क्या करने वाला आज शायद से बैडमिंटन होगा अगर होगा तो ऑब्वियसली हाँ क्या आएगी उसको क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया है यार वो बोली मैं तुझे आराम से हरा दूंगी एंड आई टुक दैट पर्सनली सुलेस को अभी करते हैं एडिटिंग बाद में जिम जाते हैं एंड अगर बैडमिंटन रहा तो बैडमिंटन खेलते हैं एंड बहुत गर्मी ओके okay, अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो इधर ही एंड करना पड़ेगा क्योंकि आज अक्षय तृत्या है तो डैड ने मुझे शॉप पे बुलाया तो मुझे शॉप पे जाना पड़ेगा अभी बज रहे पाँच मैंने कल का वीडियो एडिट कर लिया मैंने आज का वीडियो एडिट कर दिया एंड अपलोड भी कर दिया बस अभी ना ही जिम जाना आ रहा है ना ही जिम जा सकता हो एंड ना ही वो फ्रेंड के साथ जिसके साथ मैं बैडमिंटन खेलने आ रहा था वो भी नहीं कर सकते सीधा अभी शॉप पर जाना है जल्दी भागते हैं सो यस आज का वीडियो इतना ही था मिलता है आपको कल के वीडियो में जो होने वाला चैलेंज वीडियो जिसका बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहा है कल आ रहा है वो वीडियो फाइनली